हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं काफ्तान कुर्ती। इस तरह की कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने इसको बनाने के लिए 2 मीटर रियॉन का फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रियॉन का लिया है। और आजकल इस तरह की कॉटन वाली लेस इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जो काफ्तान कुर्ती पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह चौड़ाई में यानी विड्थ में इस तरह से दोनों किनारी को बराबर से पकड़ते हुए हमें इसे 4 फोल्ड करना है। यहाँ पर आप पहले इसे बराबर से इस तरह से पकड़ के 4 फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसे 4 पार्ट में बिछा दिया है। ये हमारी ओपन साइड है, इधर की साइड में भी हमारी ओपन है और हमने हमारी तरफ फोल्डेड साइड रखी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पे 14 इंच लेंगे। आप आपके कुर्ती के हिसाब से यहाँ पे आप लेंथ कम या ज़्यादा ले सकते हो। और इसकी जो विड्थ है वो हमने पूरी मीन्स 21 ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, वो हम यहाँ पे 7 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो आर्म होल भी हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर देंगे और एक निशान लगा देंगे। अभी हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो चेस्ट की हमारे यहाँ पर जो साइज़ है वो 9 इंच है, लेकिन हम यहाँ पे 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, इसलिए 9.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि टॉप से 14 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के लिए 8.5 इंच पे लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जिस तरह से हम ए लाइन कुर्ती का शेप ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी ए लाइन कुर्ती का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 16 इंच पे मार्क किया है। इतना पोर्शन हम ओपन रहन देंगे, हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बस जितनी हमने मार्किंग की है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो जो नेक की विड्थ है वो हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे और नेक की जो डेप्थ है फ्रंट की वो हम 5 इंच लेंगे और बैक के लिए 4 इंच लेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में गोलाई देनी है। यहाँ पे हम राउंड शेप में नेक बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर गोलाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, फ्रंट के लिए 1 इंच पे थोड़ा यू शेप में ड्रॉ करना है नेक। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से यू शेप में नेक ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें क्या करना है कि कटिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जो बैक का नेक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक का नेक कट करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से ये फैब्रिक को ओपन करना है और यहाँ पर अब हम फ्रंट का नेक भी कट करेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट का शेप दिया था, सेम हमें उसी शेप में यहाँ पर भी कट करना है। तो काफ्तान कुर्ती में हमें ज़्यादा कुछ कट करना नहीं होता है, सिर्फ नेक ही कट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने नेक तो कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि जिस साइड में हमने मार्किंग की है, हम डबल से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में भी उस मार्किंग को प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हमें पहले बराबर से ये फैब्रिक को करना है और फिर इस तरह से टैप टैप करते हुए हमें उस मार्किंग को सेकंड वाले साइड में भी ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये लाइन इधर की साइड में भी ड्रॉ कर ली है, ताकि हम जब फिटिंग करें तो हमें आसानी हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो
तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से एक वी शेप की पट्टी कट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पे बॉटम में पूरे में सिंगल पैर की सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पे डबल में इस तरह से फोल्ड करते हुए चारों तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और जो फ्रंट का नेक है उसे भी हमने इस तरह से फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया है और यहाँ पर भी पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से एक पट्टी लेनी है और इसे डबल में फोल्ड करना है। और यहाँ पे जिस तरह से हम गले को पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरह से हमें पहले इसे यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसे अंदर की तरफ टर्न करना है इस तरह से, और उसके बाद हम पूरे में फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये नेक रेडी कर लिया है और पूरे में सिलाई भी लगा ली है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है कि ये जो किनारी है यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमने लेस ली है ये लेस हम एक कॉर्नर से पकड़ते हुए बराबर से पूरे में इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से ये लेस को पकड़ते हुए चारों तरफ से हमें ये लेस लगा देनी है। तो ये लेस लगाकर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये लेस भी अटैच कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें स्टिच करना है। तो हम दोनों कॉर्नर बराबर से पकड़ते हुए इस तरह से पहले ये कुर्ती को बिछा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना सरके। और जो हमारी काफ्तान कुर्ती की स्टिचिंग होती है वो हमारी फ्रंट साइड में ही होती है। तो हम यहाँ पे जो फ्रंट साइड में हमने मार्किंग की है हम उसी के ऊपर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बराबर से बिछा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फ्रंट साइड में स्टिच करेंगे। तो दोनों तरफ हम पक्की स्टिच लगा देंगे डबल में। तो मैं ये कुर्ती का आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।